गांव में घूम रहे हैं। अगर भैया आपको गांव में प्रचार करवाना हो ना फौजी इलेक्शन में, तो बस अपने घर की माता जी को बोल देना मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। कल पूरे गांव को पता लग जाएगा कि ये बीजेपी का विरोधी है। कोई बात अगर दबानी हो तो गुरु से कह दे, क्योंकि गुरु का दिल सागर का है, वो किसी से कहता नहीं। और कोई बात फैलानी हो तो एक बार हमारी माताओं से कह देना जी, ये फ्री एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पैसा नहीं लगता। अब यहाँ ब्रज की सखिया पूरे गांव में एक ही चर्चा, अरे लाली तुझे पता, मोना पता, अरे गजब का है वो, तो ना पतो ना वो ना पतो, नंद के घर की कछु बात खबर पड़ी तो वो ना पड़ी। अरे मैं तो आ गई थी भी, मैं वहां पीछे से खड़ी थी, तो ना पतो आप जाते थे हम तेरे लल्ला ने मार खाया तो ये सोचा हमें भगा देते कि ना मेरा लल्ला क्यों दे, क्यों करे ऐसा। 9 लाख गई नंद बाबा के नितनौ माथन, मारे घर में पीता दूध दही हो और मेरा लल्ला सारे घर के माखन खावे के, तो कहे इसमें कौन सी बात। बोले ना आज नंदलाल ने घर की चोरी पकड़ गई, मैंने सुनी। अरे तू झूठ बोले, अरे तेरी शौक, तेरी शौकन से मैंने इन कानों से सुना, इन कानों से ये बातें बहुत अच्छी करती, मेरी कसम कानों से सुना, मैं तो इन आंखों से देखती आई, ये सौदा डांट रही थी। आज मान में मोहन ने घर में माखन खाया, पड़ोसी की चोरी ना लगती थी, आज घर में पकड़ा गया तो पता लगा दो दिन करके। हाँ बहन ऐसा ही होवे, जब अपने पे आवे तब समझ में आवे दुख कैसा हो। पर कोई समझदार रहती तो कह रहे बहन जिसका हाथ मुटेगा उसके ही गल में पड़ेगा, तू तो क्यों चिल्लाए, तू तो सिर्फ अपना माखन संभाल के रख ले। भूली पीरती वालन मन में, 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 कल्पिते अस्ते। सखिया कहती है ये सौदा तेरा नंदलाल बड़ा चंचल चपल हठी हो गया। माँ एक दिन रोली सुना रही है, कहानी सुनाते ना आप अपने बच्चों को, बेटा एक राजा था उसका घोड़ा था, घोड़े पे बैठ करके घूमता था, तो उसका ऐसे यशोदा जी अपने बच्चे को कहानी सुना रही। और कहानी इसलिए सुनाने लगी कि जब नंदलाल ने कहा ये कौन है, बोले चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा।
बोले मुझे इसके साथ खेलना। बोले बेटा चंद्रमा कहां से आया? बोले मुझे क्या पता। बोले चंद्रमा समुद्र से आया। चंद्रमा कहां से आया? समुद्र से। तो बोले समुद्र कहां है? बोले ये जो दूध है ना यही समुद्र है। आप अपने बच्चे को सत्संग की कहानी बताओगे ना तो आनंद आएगा। कन्हैया जी ने मां से पूछा कि ये कौन चंद्रमा से खेल रहा? बेटा चंद्रमा से क्यों खेल रहा है? चंद्रमा कहां से आया? बोले समुद्र से। तो तू समुद्र को पी ले, चंद्रमा अपने आप तेरे अंदर आ जाएगा। बोले मां ये समुद्र कहां मिलेगा? बोले तेरे आगे जो दूध है ना यही समुद्र है। तो बच्चों में बड़ी जिज्ञासु होती है। कुछ बच्चों के साथ हावर क्वेश्चन गेम खेलने बड़ा मजा आता है। तो पूछते बाबा तुम क्यों बन गए? तुम्हारे माँ बाप है कि नहीं है? तुम गाते अच्छा हो लेकिन गलत आदमी हो, माँ बाप को छोड़ कर चले आए। बच्चे इतने तीव्र है कि उनका भरोसा नहीं कब आपसे क्या पूछे। आपके घर में अगर झगड़ा हो, 5 साल का बच्चा है, अक्सर आपका बच्चा केजी में जा रहा है और स्कूल में जा करके टीचर ने उससे कह दिया कि बेटा कंप्यूटर का माउस नीचे पैड लगाकर ही घुमाना चाहिए, कंप्यूटर के आगे ज्यादा नजदीक नहीं बैठना चाहिए, टीवी करीब से नहीं देखना चाहिए, नेत्रों की दृष्टि जाती है, और अगर कहीं गलती से उसके सर ने पैड लगा लिया और माउस घुमा दिया और टीवी देखते मिल गए तो आज कुछ नहीं कहेगा, घर आ जाएगा, बोलेगा मम्मी मम्मी हमारे टीचर गंदे हैं। बोले क्यों? हमको तो बोलते हैं कि पहले पैड रखो फिर माउस ऑपरेट करो। मेरे सर तो आप पैड रखते ही नहीं, ऐसे ही ऑपरेट करते। हमको बोलते हैं आप टीवी मत देखो, दोपहर में लंच टाइम में टीवी देखते बैठते। हमको बोलते कंप्यूटर से दूर रहो और खुद जैसे आप डाल डाल के करते। बच्चे तो भगवान का रूप है कि कोई भी सवाल करो। और वेदांत कहता है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है तो उसके सामने कोई भी अश्लील अपशब्द का इस्तेमाल ना करे, ना ही वही ऐसा कार्य करे जीवन के कृत करे जो बच्चे के जीवन में पड़े। क्योंकि तो बच्चे करके कम, सुन के और बता के कम, करके ज्यादा सीखते। नंदलाल ने भी यही कहा, तिवारी बाबा कहिए कौन सा सागर है? बोले क्षीर सागर है। क्षीर का अर्थ क्या होता साहब? दूध। और क्षीर का अर्थ अमृत निकाल और सागर का नाम क्षीर सागर इसीलिए है कि वहां से कामधेनु और अमृत। मैया ने कहा तू चंद्रमा को मत पी, चंद्रमा से मत खेल, सागर को खेल। माँ बच्चों को चुप करती है ना, हाँ बेटा तुझे सांप चाहिए ना, डुप्लीकेट सांप ला देती है, खेल इससे। लेकिन कन्हैया जी तो समझते हैं ना यू ही है, खेल ठीक हो जाएगा। आचार्य जी के ये जो दूध पी रहे हो यही समुंदर है। हम कन्हैया जी शांत तो रहने वाले नहीं है। कहते माँ कितनी गाय का दूध इकट्ठा हुआ होगा तब ये समुंदर बना होगा। कन्हैया कहते हैं कि कितनी गाय का दूध इकट्ठा होने के बाद ये समुद्र का निर्माण हुआ होगा। अब फंस गई है सोदा जी तो कहती है ये गाय का दूध नहीं है। कहने लगी ये गाय का दूध। कन्हैया जी कहते भैया तू मेरा मन बहला नहीं है, मैं समझ गया गाय के बिना दूध कैसे। फिर मैया कहती है दूध नहीं है, गैया भी नहीं है, ये गैया पालने वाला कृष्ण है।
कन्हैया कहते हो कृष्ण को। सवाल, यशोदा कहती है कि वो भगवान है, बिहारी जी कहते हैं भगवान तुम्हें कौन, वो बिहारी जी आके बिहारी लल्ला क्या कहने लगे कि अगर वो भगवान है तो फिर कहती है कन्हैया तुम तर्क करते हो, जाओ सो जाओ, मैं नहीं सुनाऊंगी कथा, मैं नहीं सुनाऊंगी कहानियां। तो कहते अच्छा अच्छा भैया ठीक है चल आगे कहेंगे, आगे की कहानी सुना। फिर तरह तरह की बातें करती है, तो कहती है कि एक बार देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन किया, वहां से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक विष भी था, अमृत भी था। और पहले आपके ग्रह कितने थे? 8। जब राहु को सिर से अलग किया तब हो गए 9, क्योंकि जो अमृत पीने के लिए गया था भगवान ने विश्व मोहनी स्वरूप बनाया, एक हाथ में अमृत कलश, लेकर के देवताओं को पिला रहे थे, तो देवताओं की जगह में आकर राहु बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने देखा और भगवान को इशारा कर दिया, भगवान ने उसी क्षण सर से धड़ को अलग कर दिया और एक राहु दूसरे को केतु बना। यही कारण है कि जो सूर्य पे ग्रह लगता है, ग्रहण आचार्य जी, वही प्रभाव है कि राहु और केतु ही उनको ग्रह के स्वरूप में लगता। मैया अपने बच्चे को सत्संग की बात सुना रही है, बोले वहां पर विष भी हुआ था, क्षीर सागर में वासुकी नाग को लगा के मंथन किया, तो वहां जो विष हुआ था उसको क्या कहा गया साहब? कालकूट नाम का विष। नंदलाल सवाल पे सवाल करते हैं, भैया इतना बड़ा समुद्र कैसे मता होगा? कहे जैसे गोपियां दही मतती है, पर मटकी तो इतनी छोटी सी है। बच्चे हैं, सवाल करते हैं, लेकिन कहने का श्रेय माँ अपने बच्चों को सत्संग की लोरी सतमार्ग की कहानी सुनाए, ज्ञान की कहानी सुनाए, तो आपका बच्चा भी राम है और कृष्ण है। मैया मैं तो चंद्र की अगर आपने है ना मुझे ये सामान लाके नहीं दिया ना तो जाओ, मैं आपके पास नहीं आऊंगा कभी। छुट्टी कर लेते हैं, लाज और भय, माँ का प्यार भी चाहिए, नैन में भय है, बाड़ी में लाज है, हृदय में अपार स्नेह है, इसी का नाम बाल रूप भगवान। अगर मुझे नहीं दिया चंद्रमा, जय हो लोटी धरन पे अब ही, जय हो लोटी धरन पे अब ही। धरन आचार्य जी धरा का प्रारूप, तो इसे धरन यानी पृथ्वी,
अगर नहीं मानी तो सुन। जय हो लोटी धरन में अगर नहीं मानी तो मैं अभी यहां पृथ्वी पर लौट जाऊंगा, पृथ्वी में लेट जाऊंगा तेरी गोद नहीं हाँ मेरी माताएं जरूर सुने बच्चों के लिए। कन्हैया जी ने माँ से सुना हम जिद कर रहे मुझे चांद चाहिए। मैया एक सवाल बोलकर फंस गई है, एक अक्षर खाली यही तो कहा ना कि यह दूध ही सागर है। अब बालक के सवाल पे सवाल कन्हैया जी ने कहा, माँ सांप तो ये जो विष है विष तो सर्प में होता है लेकिन ये दूध से कैसे निकला। मां ने कहा समुद्र मंथन में जो विष उत्पन्न हुआ उसे कालकूट नाम का विष कहा गया। मां ने एक बात कह दी, ये जो दूध पी रहा है ना यही सागर। नंदलाल ने कहा मां विष तो सर्प में होता है दूध में कैसे हो गया। मैया फिर बहकाने लगी, कितना आनंद है, बड़ी सुंदर बात कह रही है मैया। और कन्हैया के समझ में बात धीरे धीरे आने लगी। कहे बेटा भगवान शंकर ने जो विष पिया जो भूइया नीचे गिर गई बिंदु नीचे गिर गया उसको पीने से सांप बिछेला हो। मेरे नंदलाल ने कहा मां सच्ची इसमें पीता है। बोले हाँ मैया मुझे डर लगने लगा। बोले क्यों। बोले माँ जब समुद्र में कालकूट आया समुद्र से विष निकला विष पीने से यह जहरीला हो गया तो चंद्रमा भी तो उसी से निकला है माँ। अगर इस चंद्रमा में भी थोड़ा सा जहर हुआ तो इसे पीकर इसे छोटे तुम्हें गुस्सा हुआ तो मैं तेरे से दूर कैसे रहूंगा। मेरे मां समुद्र से निकला है ना अगर थोड़ा सा विष इस चंद्रमा में भी लगा होगा इसे खा करके पीके तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। और यशोदा ने भाग कर अपने गले लगा लिया और कहने की लल्ला इसीलिए तुम्हें कहती थी तू अपने घर की माखन मिश्री खाया कर चंद्रमा में भी दाग होता है। छाती से लगा लिया गोविंद को और कहे लेकिन बेटा फिर बच्चे तो बच्चे मचल गए। बोले नहीं मुझे तो खेलना है। मैया ने तिवारी जी एक थाली में पानी भर दिया और ऊपर चंद्रमा के सामने रख दिया। बोले बेटे ऊपर है ना चंद्रमा उतनी दूर है और यहाँ प्रतिबिंब नजर आता है यहाँ उसके विष का असर नहीं होगा। मैया मैं तो चंद्र की तेरा रोवे कन्हैया उर्दात तेरा
आनंद ले रहे हैं। परीक्षित जी ने आज सुखदेव जी से एक सवाल कर दिया, आचार्य जी कितना सुंदर बाली लीलाओं का आनंद, परमात्मा की कृपा भगवान के पुत्र रूप में कैसे पाया, कौन सा ऐसा जप तप किया था आनंद ने, क्योंकि बिना कर्म के तो फल पूर्व समय में कर्मों की परिभाषा प्रारब्ध संचित वर्तमान। बाबा कोई एक जन्म में नहीं बनता, सन्यासी कोई एक जन्म के पुण्य से नहीं बनता, कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं। तो प्रेम किसी का इसी जन्म में नहीं मिलता, प्रारब्ध की बात है। पूर्व जन्मों से जब गणना लगी होगी कि जीवन में सब निर्धारित है, ये श्रीमद् भागवत कथा आपका हमारा मिलना, एक दूसरे के ऊपर जीवन निछावर करना, माताओं ने हमें पुत्र को देखना, आप लोगों का ये सम्मान, ये पूर्व समय से ही निर्धारित है। एक बार भगवान शंकर जा रहे थे सती के साथ, उन्होंने कहा इस धरती की मट्टी को माथे पे लगा लो। भगवान शंकर ने सती से कहा कि ये धरती है ना, ये खिड़की गांव है ना, इस मिट्टी को माथे पे लगा लो। क्यों, ऐसी क्या खासियत है, बोले 100 साल पहले श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ हुआ था। इतनी पावन महत्वता है, बोले हाँ श्रीमद् भागवत का इतना महत्व है, बोले हाँ। एक जगह और पहुंचे, बोले यहाँ की भी मिट्टी लगा लो माथे पर, बोले क्यों, यहाँ 100 साल बाद भागवत कथा होने वाली है। तो आयोजन तो आज आपके मन में है, लेकिन इसका आयोजन तो पूर्व समय ही हो जाता है। ऐसी परीक्षित जी ने पूछा है कि ये बताओ कि नंद ने ऐसा कौन सा साधन किया, कौन सा जप किया, कौन सा तप किया, जिससे उन्हें भगवान पुत्र के रूप में मिले। द्रोणो वसु नाम प्रवरो धराया सह भार्य करिष्यमाणया देतान जाते यो नो महादेवे भूमि विश्वेश्वरो हरो भक्ति जात परमालोके जयान्नो दुर्गतिं तरे। पूर्व जन्म में कौन, द्रोण वसुना, वसुओं में नंद बाबा पूर्व जन्म में कौन थे, श्रेष्ठ वसु, और उनका नाम था द्रोण। द्रोणो वसु नाम प्रवरो, यहां प्रवरो का श्रेष्ठ, द्रोणो वसु नाम प्रवरो धरया सह भार्य धरया, यानी उसकी पत्नी का नाम क्या है, धरया, ये अपभ्रंश
भारा। यहां लिखा है भार्या, उसकी पत्नी का नाम भारा। पूर्व जन्म में नंद का नाम क्या था? द्रोण। उनकी पत्नी का नाम धरा। जातयो नो महादेव भूमि विश्वे करो हरो भक्ति अजात परमालोके यजो दुर्गतिं तरेत। एक ब्राह्मण का वरदान, ब्रह्म का वरदान कि जाओ जब योगेश्वर स्वरूप में परमात्मा श्री हरि आनंद लेंगे, पुत्र स्वरूप में आपके जीवन में आएंगे, वो अवतार स्वरूप आपके लिए हो। यानी पूर्व जन्म का फल, पूर्व जन्म के कर्म आपके साथ जुड़े होते हैं, और यही कारण था कि ततो भक्ति भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्यो नितरा राम सीध गोपी गोपीश भारा। उस वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान को आना। तो हम कहते हैं कि भाई इनका इनका बड़ा प्यार है, मुझसे क्यों नहीं है? प्रेम किसी को जगत में प्रेम बात माने ले, ये भी प्रेम नहीं है। फिर प्रेम कहते किसे? शून्य की गति से शून्य तक पहुंचने की गति को प्रेम कहते। स्वामी जी आए हैं मिलने जाना है, गुरु जी आए हैं मिलने जाना है, 3 घंटा मेकअप हो रहा है, प्रेम थोड़ी है। रामायण की एक लाइन कहते कि जय जैसे तैसे ही उठी धावई बाल वृद्ध को संगना। जैसे सुने भागते हुए चले मेरे प्रियतम आ गए, मेरे परमात्मा आ गए, मेरे ईश्वर आ गए। अब उसमें भी 3 बार सजावट मेकअप है तो इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम की कोई रंग नहीं है, प्रेम की कोई सुंदरता नहीं है, प्रेम का सिर्फ एक रंग है जिसे हम मानते हैं परमात्मा। ये प्रेम नहीं है कि मैंने आपके लिए ये कर दिया, इसे प्रेम नहीं कहा। और ये जन्म जन्म के रिश्ते हैं, ये आज के रिश्ते नहीं है जो यहां बैठे आप। क्योंकि प्रेम लोहे की जंजीर से मजबूत है और रेशम के धागे से नाजुक है। लोहे की जंजीर से मजबूत तब है जब ये निष्काम है, और रेशम के धागे से नाजुक कब है? जब ये स्वार्थ में बदल जाता है। तो जन्म से बुला रहे हो
बैठे
जो होगा की बात मैं कहती है मेरे दयालु, एक बार त्रिदृष्टि पाने के लिए मैं कुछ भी कर दूं, अजमा तो ले। लुटा दूंगा मैं अपना सब, लुटा दूंगा मैं अपना सब तुम्हारे इशारे पर, लुटा दूंगा मैं अपना सब तुम्हारे इशारे पर। ब्रह्मांडपुरी दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ की बात नहीं है, मेरी लगी कहीं और से। जीवात्मा कहती है प्रभु मेरा समर्पण देख लो, तुम मेरे लिए क्या हो। तुम ही हो चिंता, तुम ही हो चिंता, तुम ही हो चिंतन, तुम ही हो चिंतन, तुम ही हो चितवन, चितवन चिंतन, चितवन चिंतन, चिंतन चितवन चिंतन, चितवन चिंतन, चितवन चिंतन, तुम ही हो चिंतन, तुम ही हो चितवन। मेरा चिंतन हो गया जी। और अगर प्रियतम की बात करें तो तुमसे बड़ा कोई नहीं। तुम ही हो चिंतन, तुम ही हो चितवन, चितवन चिंतन प्रियतम प्यारे, चिंतन चितवन प्रियतम चिंतन, तुम ही हो चितवन, तुम ही प्रिय प्रिय तुम मेरे, तुम ही प्रिय प्रिय तुम मेरे, तुम ही प्रिय प्रिय तुम मेरे। आप चिंतन किसका करते हो? आप चिंतन अपने घर का, अपने परिवार का, अपने माँ का, अपने भाई का, अपनी सुंदरता का करते हो, लेकिन भक्ति में ये नहीं है। जीवात्मा कहता बिहारी मेरा चिंतन तू ही है, मेरी चितवन तू ही है, तू ही मेरा प्रियतम है। बिहारी जी अंदाज अलग है, वही है लेकिन अंदाज अलग है। तुम ही हो चिंतन, तुम ही हो चितवन, तुम ही प्रिय प्रियतम मेरे, चितवन चिंतन प्रियतम। Thank you.
सावन तुम ही तुम मेरे तुम ही प्रिय प्रिय तुम मेरे प्रेम तुम्हारा प्रेम तुम्हारा पहुँच सके तो आना सके तो शायद मेरा कसूर होगा जन्म जन्म से बुला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा नजर नजर से शायद मेरा कसूर होगा शायद मेरा कसूर होगा शायद मेरा कसूर होगा जन्म जन्म से बुला रहे हो शायद मेरा कसूर दूर होगा शायद।